हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1345 जंप गेम 4। इस प्रॉब्लम में क्या है कि हमें एक एल दिया हुआ है और जो बंदा है वो करंट जीरो इंडेक्स पे है और उसको लास्ट इंडेक्स पर पहुंचना है। अब कंडीशन ये दे रहा है कि एक स्टेप में हम या तो फिर एक स्टेप आगे मूव कर सकते हैं या एक स्टेप पीछे मूव कर सकते हैं, या जो करंट नंबर प्रेजेंट है अगर वो नंबर कहीं और प्रेजेंट है तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप में उस पर आ सकता हूँ। जैसे ये 100 है, अगर इस पर है तो चाहे तो एक स्टेप में इस वाले इंडेक्स पर आ सकता है क्योंकि इस पर भी 100 है। तो हमें बताना कितने मिनिमम स्टेप लगेंगे कि हम सबसे लास्ट तक पहुंच जाए। देखिए, जो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, जो सबको लोगों को प्रॉब्लम हुई है कि डीपी सॉल्यूशन, इसका डीपी सॉल्यूशन क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, डीपी सॉल्यूशन लिखने पे क्यों रॉन्ग आंसर आ रहा है। लेकिन अगर आपकी जीत है कि नहीं मैं डीपी से ही सही करूंगा तो आप डीपी भी लिख सकते हैं, पर ऐसे केस में आपको टीएलई लीड कोड पर फेस करना पड़ेगा। आइए डिस्कस करते हैं क्यों डीपी नहीं हो रहा है, डीपी से में क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक एरे था और हमने एक आंसर ऑफ आंसर का एक एरे बनाया जिसका नाम हमने रखा था आंसर, और आंसर ऑफ उसकी साइज भी एन रखी, मतलब कि आंसर ऑफ जे मेरे को दिखा इंडिकेट करेगा आंसर ऑफ। जैसे मान लीजिए मैं आई बोलता हूं तो ये बताएगा कि हमारे में मान लीजिए आईथ एलिमेंट पर पहुंचने के लिए मिनिमम कितने स्टेप लगेंगे। ठीक है, आंसर ऑफ आई मतलब ये हुआ, शुरुआत में क्या है जीरो इंडेक्स पर था, हमने आंसर ऑफ जीरो फिल कर दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं वन से एन तक, फिर नीचे वाला एक और लूप लगाते हैं जो कहां वेरी करेगा आई प्लस वन माइनस वन से आई, जस्ट जैसे मान लीजिए ये मेरा, ठीक है ये मेरा आई है, ठीक है तो मेरा लूप क्या है वेरी करेगा इसके लेके पहले तक। ठीक है, और क्या करेंगे हम, आंसर ऑफ आई इक्वल टू मिनिमम आंसर आई और आंसर ऑफ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ये मान लीजिए जे है, ठीक है तो मतलब देख लूंगा कि यहां तक पहुंचने में कितने स्टेप लगे, इतना प्लस यहां से यहां तक की स्टेप कितनी, ये हो सकता है। और एक कंडीशन हम ये लगा देंगे और कि आंसर ऑफ आई अगर ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या करना, एक स्टेप बढ़ा इंक्रीज करके बढ़ा देना। ठीक, इससे क्या होगा कि आपका ये आगे मूव करते जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हम इस पर थे तो इस पर अगर हम फील करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इस पर हमको आंसर मिल जाएगा मेरा कितने, जैसे मान लीजिए मेरे को इसको फील करना है, ठीक है तो इसको फील करने के लिए कितने स्टेप लगेंगे, यहां से आएगा एक दो तीन, यहाँ तीन स्टेप लगेंगे। और जब इसको फील करूंगा तो सबसे पहले ये क्या करेगा, थ्री प्लस वन फोर करेगा। लेकिन जब ये वाला कंडीशन चलेगा कि ये दोनों जो बराबर हैं तो क्या करना, यहां का उठाकर प्लस एक स्टेप ऐड कर देना, तो यहां से मेरा ये अपडेट होके वन आ जाएगा जो कि ये सही है। लेकिन अब आप देखिए कि आपने ये जो फील किया है, मैंने बोला था आंसर ऑफ आई मेरा इंडिकेट करेगा कि मेरे को इस वाले स्टेप तक आईथ स्टेप तक पहुंचने के लिए कितने लगेंगे, ठीक है कितने स्टेप लगेंगे। तो आपने यहाँ पे थ्री फील किया, क्या ये थ्री सही है, नहीं थ्री गलत है, क्योंकि आप कैसे आ गए, यहां से यहां आ गए एक स्टेप में, यहां से यहां आ गए दो स्टेप में, ठीक तो आपने दो स्टेप। फिर आपने सोचा चलो ठीक है मैं इसको पीछे से अपडेट कर देता हूँ, ठीक है तो आपने क्या किया, आई इक्वल टू एन माइनस टू, मान लीजिए आप यहाँ पर थे एन माइनस टू पे थे, आई ग्रेटर देन थ्री लूप लगाया जो कि कहां से वैरी करेगा, इधर वैरी करेगा, ठीक है और आपने ये लगा दिया, सेम कंडीशन आपने लिख दी, तो आपका ये क्या होगा अपडेट होगा, ये टू तो बन जाएगा, ठीक है ये टू बन जाएगा। ठीक, तो इस वाले केस में आपका क्या हुआ, ये वन आ गया ये टू हो गया, आपको लगता है कि ठीक है सही हो। आप ये ध्यान दीजिए जब आप इधर जा रहे थे, ठीक है अगर ये इफेक्ट हुआ था तो ये इफेक्ट हुआ, ठीक अगर ये इफेक्ट होगा इससे पहले का आंसर तो ये इफेक्ट हुआ, अब ये इफेक्ट हुआ तो आप इसको करेक्ट करने के लिए आप इसको चेंज करेंगे, तो जैसे ये चेंज हो गया टू, मान लीजिए कोई ऐसा टेस्ट केस होगा कि अगर ये चेंज हो रहा है तो फिर आगे का ये चेंज होगा और ये चेंज हो गया तो इसको फिर ऑप्टिमाइज करने के लिए हमको पीछे से लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसे बार बार कुछ कुछ ऐसे टेस्ट केस आ जा रहे हैं जिसको आपको बार बार ये आगे पीछे चलाना पड़ेगा। अगर आपकी जिद यही है कि मेरे को डीपी सही सॉल्व करना है तो आप यही दोनों कोड को आप कितने टाइम चलाएंगे, एन टाइम्स, ठीक है तो आप एक फॉर लूप लगा दीजिए, लेकिन ऐसे केस में आपको टीएल दिया जाएगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन की तरफ आगे आते हैं। ठीक है, तो इसको आज जो भी सॉल्यूशन है वो है डीएफएस, ठीक है या बीएफएस से आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए कोडिंग पार्ट पर आते हैं थोड़ा।